दोस्तों कहते हैं कि सफलता आमतौर पर उन लोगों को मिलती है जो इसकी तलाश में बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों बता दें कि बिहार सरकार की कुछ नई नौकरियों के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से लगभग 1879 ऐसे पद यहाँ पे नियुक्ति के लिए निकाले गए हैं जो कि कल मंगलवार की एक कैबिनेट बैठक में जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इन सभी चर्चों पे बातें की गई हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे वेरियस पोस्ट हैं वेरियस डिपार्टमेंट के लिए, तो यहाँ पे इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी आपकी और इनमें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे ये भी बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों हम लेकर चलते हैं इन सभी के ऑफिशियल एक न्यूज़ पे जो कि आज की खबर हिंदुस्तान से निकाली गई है और यहाँ बताया गया है कि पदों पर यानी कि 1879 पदों पर नई नौकरियाँ आ सकती हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाएँ, सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। बेल आइकन दबा लीजिएगा दोस्तों, अन्यथा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं जा पाएगा। दोस्तों अगर बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे कल मैंने एक वीडियो लास्ट में पोस्ट किया था रात में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसी थी दोस्तों ये लगभग 2003 से पहले की वैकेंसी थी, ठीक है, और इस वैकेंसी को रोक दिया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर चुका था और एक बहाली रुकी हुई थी जो कि अब यहाँ पे इसकी नियुक्ति की जा रही है असिस्टेंट टीचर्स की, जो कि बिहार एसएससी के माध्यम से इसका रिजल्ट भी घोषित किया गया था। मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताए भी थे, उन वीडियोज़ को अगर देखिएगा तो याद आएगा, ठीक है। पर अब यहाँ पे 759 ऐसे सहायक शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है और बाकी जो रिक्त पद बचे हुए हैं उनकी भी यहाँ पर जो चर्चा है वो चल रही है, उसका भी वैकेंसी जल्द ही फिलअप कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षक भर्ती को लेकर, और जिन लोगों ने अपनी अभी तक अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाया है वो प्लीज़ जाएं हमारे इस पोर्टल पे जाएं, और यहाँ पे न्यू पोर्टल लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा, उस न्यू पोर्टल के जरिए आप बहुत ही आसानी से अपना वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका भी अप्लाई नहीं हुआ है वो वीडियो को देखिए अच्छे से और अप्लाई करें। इसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं जा पाया था इसलिए ये बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पाया, इसलिए एक दूसरे को शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। चलिए दोस्तों हम लेकर चलते हैं अब आपको इसकी ऑफिशियल न्यूज़ पे जहाँ पे 1879 ऐसे पदों की बात की गई है। दोस्तों हम लेकर चलते हैं आपको हिंदुस्तान खबर के इस ऑफिशियल खबर पे जहां पे इसके बारे में सारी चर्चा की गई है। दोस्तों देख सकते हैं यहां पे आप राज्य में 1879 ऐसे पद हैं जहां पे नियुक्तियां निकलेगी। अब ये कौन कौन सा है, ये एक फैसला आया है बिहार सरकार का, इसके बारे में देख लीजिएगा। यहाँ पे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 1879 ऐसे पद हैं जहाँ पे जल्द ही नियुक्ति होने वाली है दोस्तों, और कैबिनेट ने इन पदों में सृजन की मंजूरी भी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई एक कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो ये 15 प्रस्ताव जो है दोस्तों आपको 15 डिपार्टमेंट की बात की गई है। जी हाँ, अब इन 15 डिपार्टमेंट में वेरियस पोस्ट होंगे यहाँ पे, उन वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट जारी की गई है, और जो भी वैकेंसी निकल कर आएगी दोस्तों इसके लिए बहुत ही जल्द इस पर बहुत तेज़ी से काम होने वाला है यहाँ पर, ऐसा कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अब देखिए बहुत लोग तो कमेंट करेंगे यहाँ पे कि नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है, ये अभी निकलेगी वैकेंसी फिर इसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सही है आप लोगों का आकलन भी, पर ये गलती किसकी है ये तो सोचिए। सरकार में अगर ऐसे मुख्यमंत्री दोबारा आए हैं तो ये गलती किसकी है, हम जनता की ही गलती है, तो जनता की गलती है तो जनता ही झेलेगी। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे जो वैकेंसी निकलती है इनका कटिंग रखें और सरकार के सामने ये प्रस्तुत करें कि आखिर क्यों हमारे वैकेंसी को निकाल के रद्द कर दिया जा रहा है, और अगर इस पर केसेस होंगे तो फिर जाहिर सी बात है जनता के सामने आएगी सारी चीज़ें, और ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसकी सारी जितने भी बातें की गई हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे बिहार सरकार के सचिवालय के प्रधान सचिव हैं संजय कुमार ने ये इसकी जानकारी दी है, ठीक है। और आपको बता देना चाहते हैं कि दोस्तों कि सबसे अधिक समाज कल्याण विभाग के तहत से वैकेंसी निकाली जा रही है यहाँ पे, जो कि लगभग अनुमंडल स्तर पे और यहाँ पे जिला स्तर पे, देखिए अनुमंडल स्तर पे और जिला स्तर पे दोनों ही जगह 1465 तकनीकी पदों का। अब तकनीकी पद है दोस्तों तो टेक्निकल पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको वैकेंसी है, तो अब देखिए टेक्निकल पोस्ट जहाँ जुड़ जाएगा वहाँ पर ITI,
है ना, ITI के कैंडिडेट भी मांगे जाएंगे वहाँ पे, BE BTECH कैंडिडेट भी आएंगे वहाँ, डिप्लोमा कैंडिडेट भी आएंगे। तो आपको बता देना चाहते हैं कि समाज कल्याण विभाग की जो वैकेंसी अभी कुछ दिन पहले भी निकली थी उसका भी मैंने निकाला था, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि फेक है न्यूज़, ऐसा कोई वैकेंसी नहीं आने वाला है, पर वो वैकेंसी आई और उसके सारे प्रोसेस भी चल रहे हैं, ठीक है। तो जल्द से जल्द जाके उसके लिए भी अप्लाई करें। फिर से यहाँ पे समाज कल्याण विभाग की बात की गई है, जो कि 1465 ऐसे टेक्निकल पोस्ट का सृजन किया गया है और इसकी स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि इनमें सेंटर मैनेजर के लगभग 63 पोस्ट होंगे। अब देखिए कौन कौन से वेरियस पोस्ट हैं यहाँ पे, ये आप जान लीजिए, 63 पोस्ट होंगे। उच्च वर्गीय लिपिक के लिए यहाँ पे 63 पोस्ट हैं, केस मैनेजर के लिए 101 पोस्ट है, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 101 पोस्ट है और एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए 101 पोस्ट है। तो ये अभी देखिए फिजियोथेरेपिस्ट के लिए एक और है यहाँ पे जो कि 139 पोस्ट है, मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर के लिए 101 है, ऑडियोलॉजिस्ट के लिए 139 है और टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 139 पोस्ट हैं। तो स्पीच एंड हियरिंग के लिए, तो ये दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर इधर नीचे देखा जाए तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है समाज कल्याण विभाग के जरिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली जाएगी ये हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भी वैकेंसी दिख रही है आपको, है ना। तो यानी कि जो भी कैंडिडेट अगर थेरेपिस्ट में यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अपना तैयारी कर रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट के लिए या एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए या फिर मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर के लिए, तो इन सभी के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है। हर पोस्ट के लगभग 100 से भी ज़्यादा पद यहाँ पे सृजन किए गए हैं और ये जो है इस पदों के लिए सारा सृजन जो है इसकी स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है बिहार सरकार के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो टेक्नीशियन एथोमेलोजिस्ट के लिए 139 पोस्ट और हैं और ड्राइवर के पोस्ट के लिए 38 पोस्ट है। अब देखिए ड्राइवर पोस्ट बहुत ही अनिवार्य होता है क्योंकि अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर ड्राइवर पोस्ट ना रहे तो यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह की जो सेवाएं हैं वो निरस्त हो जाती हैं। तो जितना ज़्यादा ड्राइवर का पोस्ट निकलेगा उतना ज़्यादा यहाँ बिहार सरकार को फ़ायदा होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सकती हैं, ठीक है। अभी देखिए बिहार सरकार जो है हेल्थ डिपार्टमेंट पे क्यों ध्यान दिए हुए, कारण क्या है कि अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार को लेकर इतने सारे बच्चे मतलब मारे गए थे, उन बच्चों को यहाँ पे एक बहुत बड़ा केस बना हुआ है, पर बिहार की मीडिया जो है ना इस चीज़ को उजागर नहीं कर रही है और ना ही बिहार सरकार के इस काले कारनामों को सामने ला रही है। पर आपको मैं बताना चाहूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से कि बहुत सारे लोगों का जान गया है, इसलिए बिहार सरकार जो है हेल्थ डिपार्टमेंट पे बहुत जोर दिए हुए, तो ये सारी वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, इसलिए आप लोग तैयार रहेंगे अपने हाथ पैर धो के, ठीक है, ताकि जैसी वैकेंसी आएगी वैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे, तैयारी में लगे रहें। अगर जो लोग इन सभी टेक्नोलॉजी या फिर इन सभी एजुकेशन से अवेयर हैं यानी कि उनके क्वालिफिकेशन में है अगर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पंचायती राज विभाग की, जी हाँ पंचायती राज विभाग में लगभग 303 पद सृजन किए जाएंगे, 303 पद पंचायती राज में। अब पंचायती राज विभाग का भी अभी वैकेंसी चल रहा है ना, मैंने उसके बारे में वीडियोस दिए हैं लास्ट में, आप जाके देखिए उसको। पंचायती राज विभाग में अभी इनफैक्ट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के भी पोस्ट लिए गए हैं कुछ दिन पहले, ठीक है, उन सबका ब्यौरा हम आपको दे रहे हैं। और आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि अगर पंचायती राज विभाग का या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके चेक करते रहिए, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ अपडेट दे रहे हैं वहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से। अब छोटे छोटे अपडेट आते हैं वो अगर हो सकता है कि एक ही पोस्ट का निकाले और वो आपके काम का आ जाए, है ना, तो इसलिए चिंता ना करें। यहाँ पे जितने भी पोस्ट निकाल रहे हैं उन सभी पोस्ट का एक एक करके आप बारीकियों से आप इसका अध्ययन करें और जाके इसका ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें कि आया है कि नहीं आया है, है ना। और जैसे ही इन सभी पदों का जो विवरण यहाँ पे दिया जा रहा है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा हम आप तक अपने चैनल के माध्यम से इसको शेयर करेंगे, ठीक है। इनमें अगर बात करें दोस्तों कि पंचायती राज पदाधिकारियों की तो 188 पोस्ट है, ओके। व्याख्याता के लिए यहाँ पे 58, जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के लिए 38 पोस्ट हैं और जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के लिए 19 पद होंगे। ये देखिए ये जो वेरियस पोस्ट यहाँ पे पंचायती राज बताए जा रहे हैं दोस्तों कि लगभग 303 पदों में जो 188 ये होंगे वो पंचायती राज के पदाधिकारियों के होंगे, यानी कि जो ऑफिसर लेवल का पोस्ट होगा वो 188 रखा गया है और जो व्याख्याता यहाँ पे पोस्ट है वो यहाँ पे 58 है और जिला परिषद के अपर मुख्य अगर कार्यपालक की बात करें तो 38 पोस्ट दिए गए हैं। तो ये अच्छे पोस्ट हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही मतलब अच्छा खासा आपका जॉब कह सकते हैं, प्रोफाइल जॉब इनका अच्छा रहता है। पंचायती अगर जिला पंचायत राज के प्रशिक्षण की बात करें ट्रेनर की यहाँ पे, तो यहाँ पे संस्था के प्राचार्य
के 19 पद होंगे, ठीक है, किसी भी राज्य प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य के 19 पोस्ट रखे गए हैं यहाँ पे। तो ये अपने आप में थोड़ा सा जल्दी और ज़्यादा निकाला गया है इस बार पोस्ट, ठीक है। और बैठक के बाद कैबिनेट के सचिव सचिवालय कैबिनेट सचिवालय के प्रधान सचिव संजय कुमार ने यह जानकारी दी है प्रेस मीडिया को आकर। तो ये सारे जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं दोस्तों, इन सब के बारे में सारा विवरण जो है वो किसने दिया है, तो संजय कुमार ने दिया है, जो कि प्रधान सचिव हैं अभी हमारे सरकार में, और ये सचिवालय कैबिनेट सचिवालय के प्रधान सचिव हैं संजय कुमार, जिन्होंने ये सारे की सारी सूचनाएं दी हैं इन सभी वेरियस पोस्ट के लिए। दोस्तों आपको जैसे ही बता दूं यहाँ पे इन सब के बारे में, जो भी अपडेट आएगा यहाँ पे हम आप तक अपने चैनल के माध्यम से ऑफिशियली इसको शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, हमारे साथ बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही और कुछ नए वैकेंसीज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।